तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन हेप्टोक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है। वाटर का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, H2 होता है। एंड दोनों मिलकर ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का बेसिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड होगा। एंड सेकंड हमारे यहाँ पे क्या था, क्लोरीन हेप्टोक्साइड था, जिसको हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cl2O7। ये हमारे यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, पर क्लोरिक एसिड बनाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2SClO4। ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कह सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है, ये हमारे यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड। मैं इसके यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, पर क्लोरिक एसिड है। ये हमारे यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड है। एंड ये वाला हमारे यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ पे बेस है एंड ये हमारे यहाँ पे एसिड है। तो आप यहाँ पे लिटमस टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारे यहाँ पे क्या है, एसिड है, एंड कौन सा हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ।